नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। अगर आप न्यू विजिटर हैं या फिर हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं राहुल कुमार इस तरह से आप लोग के लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज लाता रहूँ। तो इस वीडियो में मैंने CBSE में पूछे गए इंग्लिश एग्जामिनेशन के पैसेज पार्ट का पैसेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया था कि सर पैसेज का भी कर दो आप सॉल्यूशन, तो मैं पैसेज का भी सॉल्यूशन कर रहा हूँ। और एक चीज़ की मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए मैं बहुत सारे गेस्ट क्वेश्चंस और बहुत सारे डीलिंग टेक्निक्स का भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसका भी वीडियो आएगा, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो देखते हैं इंग्लिश के पैसेज का सॉल्यूशन। सो हेयर इज द पैसेज पार्ट, क्वेश्चन पेपर ये है CBSE के 10th में जो आस्क किया गया है, और ये लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला पार्ट है और कम्युनिकेटिव का भी पार्ट मैं डालूंगा। तो ये एक यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ था, ये पैसेज मोबाइल फोन्स इंटरनेट्स वगैरह के बारे में, उसके यूजेज मिस यूजेज एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बताया हुआ था। सो डैट इसका मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। आइए पर क्वेश्चन हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ आर स्मार्टफोन्स हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में किस तरह से स्मार्टफोन हेल्पफुल है। चलिए आइए तो हम इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसका आंसर बन पाएगा। तो इसका आंसर सेकंड पैरा में था, इसको आप यहाँ से भी चालू कर सकते हैं या फिर आप पैसेज पढ़ के इसका आंसर अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, पर इसका आंसर यहाँ से बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। और आपने इसको पढ़ के अगर अपने तरीके से भी आंसर किया होगा तो सही होगा। कम्युनिकेशन हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव एंड इंस्टेंट, पीपल आर एबल टू कन्वे देयर मैसेज ऑल अराउंड द ग्लोब टू देयर लव्ड वंस विदाउट स्पेंडिंग हेफ्टी सम्स ऑफ मनी। सो डैट इसको यहाँ से जो आपने इसका आंसर किया होगा बिल्कुल सही है, या फिर अपने ढंग से भी इसको अगर आपने बनाया होगा तो बिल्कुल सही है। चलिए आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल फोन्स फॉर द यंग जनरेशन, यंग जनरेशन के लिए स्मार्टफोन किस तरह से उपयोगी है। चलिए आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है वो यहाँ से चालू होता है, आप पूरा इसको पढ़ के फिर मैं बोल रहा हूँ कि अपने हिसाब से भी अगर आपने आंसर किया होगा तो बिल्कुल सही है, बट आपने अगर ये डाला होगा यहाँ से या फिर इसको आप यहाँ से भी चालू कर सकते हैं थोड़ा सा शॉर्ट करके, बट यहाँ से आपने इसका आंसर बिल्कुल मैच करेगा उसमें। यंग पीपल हैव बीन एबल टू ब्रॉडन देयर माइंड्स एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स बाय डूइंग रिसर्च ऑन द इंटरनेट, और इसके बाद का भी आप पूरा इसको जो चाहे आप इंक्लूड कर सकते हैं कि मोबाइल के जो इंटरनेट है उसके वजह से ये पूरा हम साइंस का या कुछ भी अपने स्टडी का प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह ढूंढ पा सकते हैं। इस तरह से अगर आपने इसके बाद का भी इंक्लूड किया होगा तो बिल्कुल सही है। अब आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हाउ कैन मोबाइल फोन्स बी कंसिडर्ड लाइफ सेवर्स, ये बिल्कुल डायरेक्ट पैराग्राफ है क्वेश्चन में, आइए देख। तो इसका पैराग्राफ यहाँ पे है द मोबाइल फोन्स हैज़ बीन ए लाइफ सेवर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन केस ऑफ इमरजेंसी। लाइक वाइज इसके बाद का जो भी है आप पढ़ के इसको आप इंक्लूड किए हैं अगर अपने आंसर में, या फिर इस टाइप से मिलता जुलता कोई भी आपने अपने हिसाब से बनाया है, सो डैट आपका आंसर बिल्कुल सही जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंशन एनी टू डिमेरिट्स ऑफ मोबाइल फोन्स, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से आप डाल सकते थे फॉर द यंग द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स कैन बी लाइक्ड एन एडिक्शन एंड दे कैन मिस यूज इट, यंग पीपल आर ऑल्सो प्रोन टू गेटिंग इन्वॉल्व इन अनअंडरसेबल एक्टिविटीज ऑन द इंटरनेट, दिस माइट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन देअर एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। सो डैट अगर आपने इसको बिल्कुल इंक्लूड किया, ये लास्ट वाला लाइन अगर आपने इंक्लूड नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं है, बट अगर आपने इतना इंक्लूड किया है या इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्रिएट करके आपने लिखा है, सो डैट आपका बिल्कुल सही जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज ए प्रीपेड कार्ड यूजफुल टू मोबाइल फोन्स यूजर्स, आइए इसको देखते हैं। इसका लास्ट पारा में था, यहाँ से आप इसको डाल सकते हैं, इसको आप डिस को कर सकते हैं, प्रीपेड कार्ड कर सकते हैं, अलाउज सब्सक्राइबर्स टू, और इसके बाद का जो भी पार्ट है यहाँ पे यहाँ तक ही इसका होगा, क्योंकि इसके बाद इसमें कुछ इसके मेरिट्स डिमेरिट्स या फिर आपके इंटरेस्ट पर बात की गई है, तो यहाँ से या फिर आप शुरू से भी अगर इसको आप कट करके आपने लिखा होगा तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसको मैंने अपने उसमें भी किया है, बट उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया था मुझसे, सो डैट इसमें मैंने 100% इसको सही किया है। पारावन सनोनिम ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स होता है नवीकरण या फिर किसी चीज़ का निर्माण करना, आविष्कार करना, तो इन्वेंशन होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। मोबाइल इंटरनेट कैन प्रोवाइड एक्सेस टू ईमेल्स, ऐसे ही इंक्लूड है। और देखिए इसमें मैंने कर दिया था एक्सेप्ट, बट यहाँ पे देखिए आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मॉनिटर मिलेगा, यंग पीपल शुड ऑलवेज बी मॉनिटर्ड एंड मेड अवेयर ऑफ इट्स बैड आउटकम्स, सो डैट यहाँ पे मॉनिटर ही हमारा जो है जो ट्रू ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। मैंने पैरा में दिखा भी दिया कि वहाँ मिल रहा है। एडवर्स मीन्स विपरीत होता है, निगेटिव होता है, खराब पर, एडवर्स मीन्स बिल्कुल निगेटिव, सो डैट इसका निगेटिव होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन कैन ऑप्ट फॉर मंथली प्लान इफ प्रीपेड प्लान डजेंट सूट, सो डैट यहाँ पे मंथली होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इस पैसेज के आंसर की ओर। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन श्रीनगर, तो आइए इसका फर्स्ट पैरा में ही आंसर है, चलिए देख। तो इसका फर्स्ट पैरा में यहाँ आंसर है कि ये जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है वो डल लेक, श्रीनगर के डल लेक पे में स्थित है, ये इसका लोकेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द सील यूज्ड इन द पोस्ट ऑफिस, तो इसका सेकंड पैरा में मिलता है, द सील यूज्ड ऑन एवरीथिंग पोस्टेड फ्रॉम फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज यूनिक अलॉन्ग विद द डेट एंड एड्रेस, इट बियर्स द डिजाइन ऑफ ए बोटमैन रोइंग ए शिकारा ऑन द डल लेक, सो डैट यहाँ पे आप इसका आंसर बिल्कुल इस तरह से इंक्लूड कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द पोस्ट ऑफिस हेल्पफुल इन प्रमोटिंग टूरिज्म, तो इसका जो आंसर है हमारा वो भी सेकेंड पैरा में है, द स्पेशल फीचर ऑफ पोस्ट ऑफिस इज डैट लेटर्स पोस्टेड फ्रॉम हेयर कैरी अ स्पेशल डिजाइन विच हैज द, मतलब इस टाइप से आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो थर्ड का ये जो आंसर है, थर्ड का हमारा हाउ इज द पोस्ट ऑफिस यूजफुल फॉर प्रमोटिंग, इसका ये देखिए, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से ये जो इसका प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इसके प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे यहाँ इंक्लूड किया गया, दिस पिक्चर्स रीच वेयर एवर दिस लेटर्स आर पोस्टेड टू एंड इन एंड हेंस प्रमोट कश्मीर एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, तो यहाँ पे प्रमोट करने का ये यहाँ पे रीजन इंक्लूड किया गया है पूरा यहाँ से यहाँ तक। अगर आपने इसको अपने ढंग से भी बना के लिखा है देन द आंसर इज राइट, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में भी आप आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है, हु रीनेम्ड द पोस्ट ऑफिस एज फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, मतलब इस पोस्ट ऑफिस का नाम किसने फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस रखा, तो आइए देखिए थर्ड पारा में यहाँ पे है कि पहले इसका नाम था नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस, बट बाद में जॉन सैमुअल ने इसका नाम हटा के इसको फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इसका नाम रखा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द टू रूम्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस यूज्ड फॉर, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ पैराग्राफ में डाला हुआ है, फोर्थ पैरा में एक रूम को पोस्ट ऑफिस के जैसा सर्व किया जाता है, दूसरे रूम को एक स्मॉल म्यूजियम के जैसा जो कि फिलैटेलिक हिस्ट्री बताता है हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका फोर्थ पैरा में यहाँ से है, अगर आपने अपने हिसाब से भी इसको डील किया होगा तो बिल्कुल राइट है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, हाउ इज़ द पोस्ट ऑफिस बेनिफिशियल टू द लोकल्स, चलिए सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि किस तरह से लोकल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ये देखिए तो इसका आंसर देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो इंटायर पैसेज के, मतलब इंटायर पैसेज जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपका ये कंक्लूजन है कि किस तरह से पोस्ट ऑफिस बेनिफिशियल लोकल्स के लिए। तो देखिए पोस्ट ऑफिस जो है जो प्रमोशन है और प्रमोट कर रहा है टूरिज्म को, सो डैट लोकल्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाला है, इसको आप अगर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि थोड़ा सा इस पोस्ट ऑफिस की वजह से जो है जो इनकम ज़्यादा है उस पूरे एरिया का, तो लोकल्स के लिए भी अब इनकम ज़्यादा है तो उसको ठीक से रखा जाएगा उस एरिया को, सो डैट लोकल्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर दैट द पोस्ट ऑफिस हैज, तो इसका जो यहाँ है द ग्रेटेस्ट फियर, सिक्स पैरा में द ग्रेटेस्ट फियर
इसमें बताया गया है कि फ्लड्स वगैरह का इसका ग्रेटेस्ट फियर है, 2014 में भी 2014 में भी आया था ये, तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। और इसके साथ ही अगर आप इसके आगे का भी कुछ तोड़ जोड़ के लिखे होंगे तो सो डैट आप मार्क्स पाएंगे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज द पोस्ट ऑफिस ए बिग बून टू द पीपल, कैसे एक बिग बून है पीपल के लिए, पीपल के लिए ये पोस्ट ऑफिस। तो आइए देखते हैं, द बिगेस्ट बून इज डेट, इसमें बताया गया कि इसका सबसे जो बिगेस्ट बून है वो ये है कि आपको सालों भर इसमें से ईयर के किसी भी दिन आपको फैन की, आपको पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल कोल्ड है, एकदम अच्छा है। सो डैट इसका आंसर यहाँ पे था, द बिगेस्ट बून फॉर द पीपल, सो डैट इंक्लूडेड। अब है कि आपका अट्रैक्शन, अट्रैक्शन यानी आकर्षण के लिए कौन सा इसमें वर्ड आया है, तो देखिए यहाँ पे एक हिंट भी दिया हुआ था, पैरा फाइव, तो आप पैरा फाइव में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे एक है फैसिनेशन, सो डैट यहाँ पे फैसिनेशन, ऐसे भी आप जाके सर्च भी कर लो तो फैसिनेशन मीन्स अट्रैक्शन होता है। सो डैट यहाँ मैंने पैसेज भी आप लोगों के कहने पर किया, कम्युनिकेटिव का भी पैसेज लोड किया जा रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपका कम्युनिकेटिव है, और इसका ग्रामर पोर्शन का भी मैंने किया है सॉल्यूशन, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और मैथ्स का भी अपलोड किया जाएगा। सो डैट हमारे साथ बने रहें जब तक आपका एग्जाम है, और उसके बाद भी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, डैट्स इट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।